अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक फतह मक्का की मश्क का सवाल नंबर एक पढ़ेंगे। सवाल नंबर एक है, फतह मक्का का पसे मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 28 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब मौजूद है, फतह मक्का का पसे मंज़र। पसे मंज़र का मतलब होता है जो मंज़र दिखाई दे रहा है, यानी फतह मक्का का जो मौका है, जो फतह मक्का का वाक़या है, ये क्यों पेश आया, इसके पीछे वजह क्या थी। पसे मंज़र, पसे का मतलब होता है पीछे और मंज़र का मतलब मंज़र, जो वाक़या सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी फतह मक्का का वाक़या। तो पसे मंज़र यानी इस फतह मक्का का जो वाक़या है, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे का मंज़र क्या था, इसके पीछे क्या वजह थी कि मुसलमानों को आखिरकार मक्का फतह करना पड़ा। तो इसका पसे मंज़र का मतलब ये है कि इसके पीछे वजह क्या थी। तो प्यारे बच्चों, आपको बताता चलूं, सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था, यानी ये फैसला हुआ था कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। सुलह हुदैबिया ये वो माहदा है, ये वो वादा है जो मुसलमानों और कुरैश मक्का ने मिलकर तय किया था, और इसमें चंद शरायत रखी गई थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि दोनों यानी मुसलमान और कुफारे मक्का आपस में 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक जंग या लड़ाई नहीं करेंगे, और अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहें मिल जाएं। फरीक का मतलब होता है यानी जो दो आपस में मुखालफीन होते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान और कुरैश मक्का थे आपस में फरीक, तो इनके अलावा यानी मुसलमानों और कुरैश के अलावा अरब में जो बाकी कबाइल रहते थे, उनके लिए ये आज़ादी थी कि वो चाहें तो मुसलमानों के साथ मिल जाएं या फिर कुफारे मक्का के साथ मिल जाएं। यानी उन वो इस बात पर आज़ाद थे, उनको इस बात की आज़ादी थी कि वो जिस फरीक के साथ मिलना चाहे मिल जाए, तो जो बाकी की जो शरायत होंगी वो फिर सब पर लागू होंगी। तो बस इसी शर्त की वजह से कबीला बनु खज़ाआ जो था वो मुसलमानों का हलीफ बन गया, जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मुआहदा कर लिया। यानी जो बनु खज़ाआ था वो मुसलमानों के साथी बन गए, मुसलमानों के साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया, और जो बनु बकर थे उन्होंने कुरैश मक्का के साथ मुआहदा कर लिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खज़ाआ पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। यानी बनु बकर और बनु खज़ाआ के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी थी, तो उस पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खज़ाआ पर रात की तारीकी में यानी रात के अंधेरे में हमला कर दिया। बनु खज़ाआ जो थे उन्होंने बनु खज़ाआ ने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली। यानी जो बनु खज़ाआ के लोग थे उनके पास कोई और रास्ता ना था, तो उन्होंने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली, खाना काबा के अंदर चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने पनाह ली। लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खज़ाआ का खून बहाया। हरम यानी मुकद्दस पाक जगह, हरम कहते हैं बैतुल्ला शरीफ को यानी खाना काबा को। तो जो बनु बकर के लोग थे वो बनु खज़ाआ के पीछे हरम में दाखिल हो गए, और हरम में दाखिल होकर उन्होंने बनु खज़ाआ के लोगों को कत्ल किया। कुरैश मक्का ने यानी जो कुफारे मक्का थे, कुरैश मक्का, उन्होंने
बनो बकर का भरपूर साथ दिया, यानी जो कुरैश मक्का थे वो भी बनो बकर का साथ दे रहे थे कि बनो खजा के लोगों पर हमला किया जाए। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने जो सुलह हुदैबिया में जो शर्त थी कि दोनों फरीक 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, वो बनो बकर और कुरैश मक्का ने वो शर्त तोड़ दी। तो फिर क्या हुआ, बनो खजा का एक वफद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और खाना काबा की हुरमत का भी ख्याल नहीं रखा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ़ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। तो यानी बनु खजा के चंद लोग, एक वफद यानी चंद लोग, वफद कहते हैं चंद लोगों का एक ग्रुप, यानी उस कबीले की तरफ से चंद लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कुरैश और बनु बकर की शिकायत की कि उन लोगों ने सुलह हुदैबिया में जो माहदा हुआ था उस माहदे की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और ना सिर्फ माहदे की खिलाफ वर्जी की है बल्कि खाना काबा की पाकिजगी का, उसकी हुरमत का भी ख्याल नहीं रखा, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ यानी साथी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। तो ये था फतह मक्का का पस मंज़र, यानी ये वो वजह थी कि जिसके बाद फिर मुसलमानों ने मक्का की तरफ पेशकदमी करते हुए मक्का को फतह किया। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप यहाँ तक अच्छी तरह से याद कीजिएगा और जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उनके मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।